मॉर्निंग स्टूडेंट्स, त्रिवर्ण ध्वज पाठ में ये मिलान है जो कि इस पाठ का सार है और हमारे त्रिवर्ण ध्वज जो है, हमारा तिरंगा झंडा जो है, उसके बारे में ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। केसर वर्णहा, केसरिया रंग है ना, जिसको हम इंग्लिश में शैफ्रॉन कहते हैं और हिंदी में भगवा रंग भी कहते हैं। तो केसर वर्णहा शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः, शौर्य का और त्याग का, च और त्याग से त्याग का सूचक है। केसरिया रंग शौर्य का और त्याग का सूचक है। हरित वर्णः हरा रंग सुषमायः उर्वरतायः च सूचकः, सुषमायः अर्थात सुंदरता का, उर्वरता शक्ति जो उसकी उपजाऊ शक्ति है उसका सूचक है। तो हरा रंग धरती की, हमारी हमारे देश की सुंदरता का और उर्वरता का सूचक है। अशोक चक्रम, और उसमें जो अशोक चक्र है वो किसका द्योतक है? प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम्, प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। अशोक चक्र प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। त्रिवर्ण ध्वजा, जो हमारा तिरंगा झंडा है, वो स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः, स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम्, त्रिवर्ण ध्वज का जो हमारा जो तिरंगा झंडा है वो कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम, 22 जुलाई